दोस्तों इमाद वसीम ने T20 से रिटायरमेंट तो वापस ले ली है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट थी उसने सोशल मीडिया पे एक नई बहस छेड़ दी है। उनकी जो रिटायरमेंट वापस लेते हुए स्टेटमेंट थी उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उनको गारंटी दी गई है कि वो T20 वर्ल्ड कप लाजमी खेलेंगे। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पीसीबी ऑफिशियल्स का कि उन्होंने इमाद वसीम पर ट्रस्ट किया और वो खुद को जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको जो है वो पीसीबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इमाद वसीम शदाब खान और सामा मीर के होते हुए टीम में जगह बना पाएंगे, और मोहम्मद नवाज की क्या छुट्टी हो गई है? और इसी के साथ साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर नई बॉल के 5-6 बॉलर हैं, और इसके साथ साथ 3 नए ऑलराउंडर भी पाकिस्तान को इस टीम में T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे, उसके होते हुए इमाद वसीम कहां पे स्टैंड करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस थी इस PSL के अंदर, उसकी जो कुर्बानी पाकिस्तान को देनी पड़ेगी किस बड़े परफॉर्मर की। उसामा मीर की बात की जाए तो उसामा मीर की सबसे ज्यादा विकेटें थी और वो बेस्ट बॉलर भी थे, और इमाद वसीम की जो विकेटें की बात की जाए तो 7 विकेटें थी उनकी फाइनल के अलावा। आखिरी नॉकआउट के अंदर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया क्योंकि उनको नई बॉल मिली, उससे पहले उनको नई बॉल नहीं मिल रही थी और वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। बैट से भी उन्होंने परफॉर्म किया और बॉल से भी। लेकिन उसामा मीर की बात करें तो वो बेस्ट बॉलर बनके उभरे हैं। शदाब खान की बात करें तो शदाब खान जो है वो बेस्ट ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, और T20 में तो उनको बाहर किया ही नहीं जा सकता। अभी PSL के अंदर भी आपने देखा वो कप्तान भी थे, बेस्ट कप्तान भी बने, उसके बाद उन्होंने टीम को जितवाया भी, फिर ऑलराउंडर भी जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, और शदाब खान की बॉलिंग से भी और बैटिंग दोनों से उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। लेकिन इन दोनों के होते हुए क्या इमाद वसीम की टीम में जगह बनेगी? और खिला तो आप दो सकते हैं क्योंकि आपके पास इफ्तिखार भी ऑलराउंडर है, उसके बाद ऊपर से साइम अयूब भी हैं, वो भी उन्होंने भी इस PSL के अंदर अपनी बॉलिंग का जादू दिखाया है, वो भी नई बॉल के साथ। तो अब उसामा मीर जो है वो नई बॉल भी कर लेते हैं, पुलानी भी करेंगे, हर जगह पर करेंगे, शदाब खान भी आपको मिडल में देते हैं जहाँ पर उनसे मर्जी बॉलिंग करवा रहे हैं। अगर नवाज़ की बात करें, जिनकी कुर्बानी तो समझे हो गई है, क्योंकि अगर नवाज़ इमाद वसीम वापस आए हैं, पीसीबी ने उनको गारंटी दी है, T20 वर्ल्ड कप में शामिल भी कर लिया है, तो इसका मतलब है नवाज़ के तो अब पता साफ है। लेकिन क्या नवाज़ और इमाद वसीम का कंपैरिजन किया जाए तो इमाद वसीम तो नई बॉल करते हैं, पुरानी बॉल तो उनसे होती नहीं है और वो बहुत बुरे साबित होते हैं। नवाज़ ने हमने देखा है नई बॉल भी करते हैं, मिडल में भी करते हैं, अब बाद दफ़ा उन्होंने लास्ट ओवर भी किए हैं। तो इन दोनों में से अच्छी ऑप्शन कौन सी हो सकती थी? चूँकि नवाज़ से परफॉर्म नहीं हुआ ना एशिया कप में ना वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद अब इमाद वसीम को जो है वो इतमाद में लिया गया, क्योंकि आखिरी PSL के मैचेस के अंदर जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, उसके बाद अब देखा जाएगा कि उनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। ऊपर से आपके पास साइम अयूब हैं जो नई बॉल कर लेते हैं, पहले 1-2 ओवर करवाएंगे। इफ्तिखार भी आपके पास है जो टीम से बाहर नहीं हो सकते, आपके फिनिशर हैं वो भी ऑलराउंडर हैं, वो भी बॉलिंग करते हैं स्पिन बॉलिंग। नवाज़ भी आपके, उसके बाद उसामा मीर भी आपके पास है, शदाब भी हैं, तो इनके होते हुए इमाद वसीम को कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा? अगर नई बॉल इसे करवानी है तो आपके पास बेस्ट बॉलर है दुनिया के नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, जो करते ही नई बॉल है, नई बॉल के साथ वो ऊपर से विकेटें उड़ाते हैं, तो क्या नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी के होते हुए इमाद वसीम को वहाँ पर बॉलिंग मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। तो फिर इमाद वसीम को कैसे गारंटी दी गई है कि उनको T20 टीम में लाजमी शामिल किया जाएगा? अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए कैंप लग गया है उसके अंदर भी जो है ये शामिल हैं इमाद वसीम, वहाँ पे भी अब अगर वहाँ पे उनको से परफॉर्म नहीं होता उस सीरीज़ के अंदर, उसके बाद आगे इंग्लैंड की सीरीज़ है वहाँ भी परफॉर्म नहीं होता, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या उनको बाहर किया जाएगा? अगर बाहर किया गया तो फिर उनको गारंटी कैसे दे दी गई कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? उन्होंने स्टेटमेंट में मैंशन किया हुआ है कि वो खुद को तैयार कर रहे हैं जी T20 वर्ल्ड कप की कंपेन के लिए, जो PSB ने उनको जो है वो अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको इतमाद दिया है। तो ये वहाँ पर बहुत से सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इमाद वसीम जो आने वाली सीरीज़ है इसके अंदर परफॉर्म कैसे करते हैं, खुद की जगह कहाँ बनाते हैं, और उसामा मीर और शदाब तो खेलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अब उसामा मीर की कुर्बानी देंगे और उसके साथ इमाद वसीम को उनकी जगह पे खिलाएंगे। तो ये फैसला आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि T20 टीम के अंदर उसामा मीर खेलना चाहिए या इमाद वसीम खेलना चाहिए? शदाब खान के साथ किसको जो है वो एक दूसरा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खेलना चाहिए, और इनकी जगह कैसे बनेगी और कहाँ पर इनको बॉलिंग करवानी चाहिए? इनकी रिटायरमेंट का वापसी का जो फैसला है वो आप लोगों को कैसा लगा? क्या T20 टीम में इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शेयर होगा, मुझको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।